प्रदेश मंत्री जी हैं संजय सक्सेना जी, वो भी जैविक खेती के विषय में आपको अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। बोलिए भगवान बलराम की जय। जय जवान, जय किसान। बंधुवर, ये जो हमारे राहुल वसूले जी ने यहाँ इस संकल्प भवन के पास अपना ये जैविक कृषि उत्पादों को विक्रय करने का और क्रय करने का एक उपक्रम शुरू किया है, वो एक युवा है और ऐसे कार्य करने के लिए इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, वो बड़े उत्साह का विषय है कि एक युवा आज हमारे जिले में, छिंदवाड़ा जिले जो कि कृषि क्षेत्र में हर प्रकार की उत्पाद के लिए जाना जाता है, जैविक खेती में भी यहाँ हमारे कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं सब्जियाँ गेहूँ उगाने का और हर प्रकार के अनाज उगाने का, पर उनको अपने माल का उत्पाद का सही वो नहीं मिलता, सर्टिफिकेशन नहीं मिलता और इस कारण से और बाहर पहुँचाने का बेचने के लिए उनको व्यवस्था भी नहीं मिल पाती। अब इस दुकान और इस उपक्रम के माध्यम से कोई बहुत सारे किसानों को ये सुविधा मिल जाएगी, बहुत सारे हमारे नगर के लोगों को जो जैविक गेहूँ काला गेहूँ जैविक सब्जियाँ और हर प्रकार के उत्पाद क्रय करना चाहते हैं उनको भी एक स्थान मिल जाएगा जहाँ सर्टिफाइड जैविक उत्पाद मिलेगा, किसानों को अपने अच्छे अनाज के खपत के लिए और ग्राहक उपभोक्ता को अपने अनाज हर प्रकार की चीज़ें खरीदने के लिए एक सम्मिलित जगह मिल गई है और ये आगे बढ़े राहुल वसूले जी और अच्छा प्रयास करें। हम सब जागरूक लोग छिंदवाड़ा के यहाँ खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि सबका सहयोग मिले और जितने लोगों के सामने ये संदेश पहुँच रहा है हमारा, वो सब लोग भी इस जैविक उत्पाद के प्रति अपनी जानकारी बढ़ाएं, यहाँ आकर इनके जो उपक्रम है जो इनकी दुकान है इसमें इनकी जो संस्था है इससे संपर्क करें और इनकी जानकारी लेकर अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए इनके उत्पादों को उपयोग कर देखें और आगे बढ़ें और किसानों को भी अब उत्साह के साथ खेती करना चाहिए, उनको उत्पाद बेचने के लिए एक मंच है यहाँ छिंदवाड़ा में हमें उपलब्ध हो रहा है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, जय हिंद।